साल 2029। आप क्या खाएंगे ये आप डिसाइड नहीं कर सकते। आपके शरीर में क्या डाला जाएगा ये आप डिसाइड नहीं करेंगे। आप क्या नौकरी करेंगे ये आप डिसाइड नहीं कर सकते। आप अपना पैसा कहाँ खर्च करेंगे ये भी आप डिसाइड नहीं कर सकते। आप अपना चेहरा ढकेंगे या नहीं ये भी आप डिसाइड नहीं कर सकते। आप घर से बाहर निकलेंगे या नहीं ये भी आप डिसाइड नहीं कर सकते। आप बीमार है या नहीं ये भी आप डिसाइड नहीं कर सकते। चाहे आप बिल्कुल स्वस्थ महसूस कर रहे हो फिर भी आपको जबरदस्ती दवाई दी जाएगी और जबरदस्ती आप पे इलाज थोपा जाएगा, क्योंकि अब ये शरीर आपका है या नहीं ये भी आप डिसाइड नहीं कर सकते। कि आज आपका शरीर भी ठीक पूरे देश की तरह प्राइवेट हाथों के हवाले कर दिया गया, क्योंकि जब आपको कुछ सरफरे जगाने आए थे तो आपने बेहोशी और गुलामी पसंद करी। साल 2021। दुनिया भर में किसी चीज के खिलाफ लाखों करोड़ों लोग आवाज उठा रहे थे। ये आवाजें भारत देश में लोगों को ना सुनाई दे इसके लिए मीडिया पूरी सेंसर्ड और कंट्रोल की जा चुकी थी। जो डरावना प्लान 2016 में ऑन रोड आ चुका था इलेक्टोरल बॉन्ड डीमोनेटाइजेशन और आधार कार्ड की मदद से, जिसमें अहम रोल नंदन निलेकनी नाम के इंसान ने प्ले किया था, वो अब अगस्त 2021 में फाइनल रूप ले चुका था। इंडियन गवर्नमेंट ने 2 अगस्त 2021 को इंडियन डिजिटल करेंसी लॉन्च कर दी थी ई रूपी नाम की। ये ई रूपी डिजिटल करेंसी कुछ ऐसी थी कि इसमें आपके खाते में पैसा तो डाला जाएगा लेकिन खर्च सिर्फ वही होगा जहां सरकार चाहेगी। अगर पनीर टीके का पैसा है तो फिर वो पैसा वहीं खर्च किया जा सकता है। और ये एक बहुत ही बड़ा शॉकिंग डिसीजन था इस गवर्नमेंट के पिछले डिसीजंस की तरह। ये गवर्नमेंट भी पिछली सारी गवर्नमेंट्स की तरह कुछ इतने अजीब डिसीजंस ले रही थी कि लोगों को ये तक लगने लग गया था कि सालों पुरानी क्लोनिंग टेक्निक उनके पीएम मोदी के अगेंस्ट यूज करके उन्हें रिप्लेस किया जा चुका है। किसान परेशान थे, स्टूडेंट्स परेशान थे, डॉक्टर्स परेशान थे, टीचर्स परेशान थे, फौजी परेशान थे, बैंक के कर्मचारी परेशान थे, गरीब जनता परेशान थी, अमीर जनता परेशान थी। साल 2022। देश में नौकरियां अधिकतर खत्म हो चुकी थी। इनकम के सोर्स ये डीबीटी और डिजिटल ई रूपी जैसी स्कीम्स बन चुके थे और लोगों को सरकार की ऐसी स्कीम्स की आदत पड़ चुकी थी जिसमें इंसान खुद से डिसाइड नहीं कर सकता था कि पैसा कहाँ खर्च करना है, बल्कि सरकार ये बता रही थी। इन चीजों को लेकर प्रोटेस्ट और भी भयानक रूप ले चुके थे, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोगों को ये स्कीम एकदम परफेक्ट दिख रही थी और दो पक्ष के लोग आपस में लड़ रहे थे और ये आपस की लड़ाई और नफरत किसी का भोजन थी। साल 2023। दुनिया भर में बढ़ती हुई प्रोटेस्ट को कंट्रोल करने के लिए बहुत खतरनाक टेक्नोलॉजी आ चुकी थी जिसका नाम था एक्टिव डिनाइल सिस्टम, जिसमें रेडिएशंस की मदद से, ठीक वही रेडिएशंस जो 5G में यूज की जाती है, प्रोटेस्टर्स पर उसकी मदद से अटैक किया जाता था। ये टेक्नोलॉजी भी बहुत सालों पहले आ चुकी थी लेकिन बेहोश लोगों को इसकी भनक तक नहीं थी। साल 2024। दुनिया भर के हर कंट्रोल मीडिया चैनल्स पर ये 2400 घंटे दिखाया जा रहा था कि पृथ्वी पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है और वो खतरा था ग्लोबल वार्मिंग का। ठीक 2020 की तरह एक्सट्रीम रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए थे इंसानों पर और इंसानों की पूरी आज़ादी छीन ली गई थी। कौन इंसान कितनी बिजली यूज कर सकता है उसकी लिमिट डिसाइड कर दी गई थी। पेटेंट नंबर WO2020060606 जो कि माइक्रोसॉफ्ट की पेटेंट कराई हुई टेक्नोलॉजी है, इसमें सिर्फ तभी आपको पैसा दिया जाएगा जब आप ऑर्डर किया हुआ काम पूरा करेंगे। उसके थ्रू इंसानों की बिजली, पानी, खाना, दवाई दी जा रही थी। किसान पूरी तरह बर्बाद हो रहा था क्योंकि एग्रीकल्चर से मिथेन और CO2 एक्सेस में बिल्डअप हो रहा था जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही थी। ये फंडेड रिसर्च से साबित किया जा चुका था और इसका सोल्यूशन ले आया था ब्लैक दो तरीकों से। पहला, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स, जो कि एक टाइम पे फैक्ट था कि एक कैंसरस है, वो गैस लाइटिंग की मदद से हेल्दी साबित किया जा चुका था और देशों पर थोप दिया जा चुका था, क्योंकि अधिकतर रिसर्च इंस्टीट्यूट, साइंटिफिक और मेडिकल जर्नल्स, इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मोनसेंटो, बेयर, जॉन डीरी, स्वालबर्ट सीड वॉल्ट, CGIAR, सब फंडेड थे एक बंदरों के ग्रुप के द्वारा जिसका फेस था ब्लैक। और दूसरी टेक्नोलॉजी जो ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने के लिए लाई गई थी वो थी जियो इंजीनियरिंग, जिसमें सूरज की किरणों को पृथ्वी पर पड़ने से रोक दिया जाता था क्लाउड सीडिंग की मदद से। ये भी एक टाइम पे प्रूवन डेडली थी
लेकिन मास हिस्टीरिया का यूज करके सही साबित की जा चुकी थी। साल 2025, हार्प नाम की टेक्नोलॉजी जिस पर बहुत सालों से रिसर्च चल रही थी वो अब पूरी तरह डेवलप हो चुकी थी और वेदर मॉडिफिकेशंस करना टीवी ऑन करना जितना सरल हो चुका था, यानी कि एक बटन की दूरी। ड्रास्टिकली एक्सट्रीम नेचुरल डिजास्टर्स जैसे कि सुनामी, उनकी फ्रिक्वेंसी बढ़ गई थी। एक्सट्रीम ड्राउट्स, फ्लड्स होने लग गए थे। बहुत सारे लोग ये कहने लग गए थे कि सारा क्लाइमेट चेंज हार्प टेक्नोलॉजी के मिसयूज से हो रहा है और वर्ल्ड वाइड प्रोटेस्ट अपने एक्सट्रीम पर थे। लेकिन तभी एक मिस्टीरियस और अननोन रीजन से लोगों को कार्डियक अरेस्ट और रेस्पिरेटरी इलनेस होने लग गया था और डेथ का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा था। तभी एक बहुत ही शॉकिंग फैक्ट सामने आया कि जिन लोगों ने डॉक्टर बिस्वरूप नाम के एक डॉक्टर की बात मानी थी और उनकी सारी गाइडेंस फॉलो करी थी, उन लोगों को कुछ भी नहीं हो रहा था। दुनिया भर में एक्सट्रीम क्लैशेस हो रहे थे और इन अचानक हो रहे मौतों के चार बड़े कारण पब्लिक डोमेन में उठकर आ चुके थे। पहला, जीएम क्रॉप्स। दूसरा, 5G रेडिएशंस। तीसरा, पनीर टीका जो 2020 से बार बार लगाया जा रहा था उसकी वजह से। और चौथा, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की वजह से। कारण जो भी था, लेकिन ये सारे डेडली डायमेंशंस कनेक्टेड थे एक इंसान से जिसका नाम था ब्लैक, और ये बात सब समझने लग गए थे। साल 2026, ये पहला साल था जब पृथ्वी की पॉपुलेशन डाउनवर्ड ट्रेंड पकड़ चुकी थी, यानी कि वर्ल्ड पॉपुलेशन गिरने लगी थी। और एक बहुत ही डेंजरस फैक्ट, 50 सालों से दबा हुआ सीक्रेट पब्लिक डोमेन में आ चुका था, और वो था जॉर्जियन गाइडस्टोन्स। ये एक पत्थरों का समूह था जो आरसी क्रिश्चियन नाम के इंसान ने जॉर्जिया नाम के शहर में खड़े करवाए थे सन 1980 में, और इस पर एक बहुत ही दहशत भरी बात लिखी हुई थी कि पृथ्वी की पॉपुलेशन सिर्फ 50 करोड़ होनी चाहिए। और उससे भी डरावनी बात कि आज तक किसी को नहीं पता कि आरसी क्रिश्चियन कौन है। ये 50 करोड़ जनसंख्या की बात 8 अलग अलग भाषाओं में उन ग्रेनाइट के पत्थरों पर लिखी हुई थी, और पूरी दुनिया की जनसंख्या इसी ओर बढ़ रही थी। जो लोग पहले बेहोश थे, भूखमरी और गुलामी ने उन्हें भी आखिरकार जगा दिया था। लव का इमोशन फिर से पावरफुल साबित होने लगा था हेट्रेड के इमोशन से। अब बचे कुछ लोग साथ आकर इकट्ठा होने लगे थे इस इंटरनेशनल वन वर्ल्ड वन गवर्नेंस वन बैंक गेट सीजी वन के खिलाफ। साल 2027, जो यूथ जनता थी जिन्हें स्कूल जाने का मौका नहीं मिला था, जिन्हें लगता था कि कंप्यूटर ही दुनिया है, जिनके सोशल बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट को कमजोर बना दिया गया था, वो अपने माँ बाप को वहमी समझने लगे थे। और सरकार जो पनीर टीका उन पर लगाती थी उसे वो बैंक्स की तरह एक गवर्नमेंट की फैसिलिटी समझने लग गए थे। जो वन गवर्नमेंट उन्हें WO2020060606 की मदद से ऑर्डर्स देती थी उसे वो अपनी ज़रूरत समझने लगे थे, जैसे एक समय पहले स्कूलों में अंग्रेजी शिक्षा को ज़रूरत माना जाता था। और आखिरी गेम, साल 2028, सारे काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल अवेयरनेस कर रही थी। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के साथ साथ जेनेटिकली मॉडिफाइड बेबीज का ट्रेंड आ चुका था क्रिस्पर टेक्नोलॉजी की मदद से। 9-10 साल की उम्र से ही बच्चों में प्यूबर्टी होने लगी थी, और साथ ही इसी उम्र में ही इंसानों को लाइफ लॉन्ग डिजीजेस घेर लिया करते थे, जिस कारण से दवाइयों पर डिपेंडेंसी छोटी उम्र से ही हो जाती थी। और ये दवाइयों को हासिल करने के लिए गवर्नमेंट के रूल्स फॉलो करने होते थे, ताकि गवर्नमेंट फ्री वाउचर निकाले डिजिटल करेंसी के माध्यम से, और लोग इसे अपना राइट मानकर खुशी खुशी मान लेते थे। लेकिन एक बार फिर इंसान अननोन और मिस्टीरियस कारण से मरने लग गया, और पॉपुलेशन बहुत तेजी से घटने लग गई थी, और साथ ही पृथ्वी पर वो चीज़ एंटर कर गई जिसकी उम्मीदें पिछले 20 सालों से लगाई जा रही थी, एलियंस। 2018 में पेंटागन USA की गवर्नमेंट ऑफिशियली एक्सेप्ट कर चुकी थी कि यस, UAP या फिर अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमेना आर प्रेजेंट। कुछ लोगों का कहना था कि ये एलियंस नहीं है, असल में ये हॉलोग्राम टेक्निक का यूज़ करके ऑलरेडी एक्सट्रीम शॉक से गुजर रहे लोगों को, जो लोग फिजिकली और मेंटली वीक हो चुके थे नॉन स्टॉप पनीर टीका खाने की वजह से और एक्सट्रीम इंटेंस रेडिएशन से एक्सपोज होने की वजह से, जिनका ब्रेन बहुत कमज़ोर हो चुका था, जिस कारण वो लोग 24/7 एक डेल्यूशनल स्टेट में रहने लगे थे। उन पर शॉक डॉक्ट्रीन अप्लाई की जा रही है, और हॉलोग्राम का यूज़ करके ये एलियंस जैसा फिनोमेना दिखाया जा रहा है, ताकि पूरी ह्यूमन रेस को ये दिखाया जा सके कि एलियंस सच में मौजूद है, और एलियंस असल में गॉड है, और इस एलियन का रिलीजन ही अब इस दुनिया का रिलीजन होगा, ताकि वन वर्ल्ड वन रिलीजन बनाया जा सके,
वन गवर्नमेंट तो शॉर्ट लिव्ड है लेकिन रिलीजन लास्ट फॉरएवर। लेकिन इस सारा भयानक मंजर होने से पहले एक बहुत बड़ा रेडियो ना सर, स्टार्ट कर दूं।